नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों आप लोगों को याद होगा एयरसेल वो कंपनी थी जिसने काफी सस्ते इंटरनेट की शुरुआत की थी, पॉकेट इंटरनेट जो कि वन डे वाला पास होता था या थ्री डेज वाला पास होता वो एयरसेल ने उपलब्ध कराया था काफी कम प्राइस में। लेकिन अब देखिए एयरसेल यहाँ पर बंद होने जा रहा है और एयरसेल के यहाँ पर 84 मिलियंस को काफी ज्यादा वो है प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही, क्योंकि काफी एरियाज में एयरसेल का नेटवर्क नहीं आ पा रहा है और ना ही वो जो है पोर्टिंग कोड जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एयरसेल में जो है पोर्टिंग कोड जनरेट कर सकते हैं और आपका जो पोर्टिंग कोड है वो अब कब तक वैलिड रहने वाला है। वैसे तो जो पोर्टिंग कोड है वो केवल 14 डेज के लिए वैलिड रहने वाला है, लेकिन इस बार जो आपका पोर्टिंग कोड है वो काफी ज्यादा दिनों के लिए वैलिड रहने वाला है। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको एयरसेल का नेटवर्क फिलहाल कैसे मिल सकता है और कब तक एयरसेल का नेटवर्क आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एयरसेल यहां पर जो है बंद होने जा रहा था, लेकिन एयरसेल मानने को तैयार नहीं था कि वो बंद होने जा रहा है। लोग पोर्टिंग कोड के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे थे, लेकिन एयरसेल बोल रहा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ दिनों में नेटवर्क आ जाएगा, लेकिन लोग मानने को ही तैयार नहीं थे और आखिर में एयरसेल को मानना पड़ा कि वो यहां पर बंद होने जा रहा है, वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। फिलहाल उसको अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अब एयरसेल यहां पर बंद होने जा रहा है फाइनली 15 अप्रैल 2018 को, यानी कि फिलहाल अभी एयरसेल बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, ये आपका बिल्कुल बंद होगा 15 अप्रैल 2018 को। 14 अप्रैल की जो रात होगी यानी कि 14 अप्रैल 11:59 पर आपका एयरसेल बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपके एयरसेल के सिम में वहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा उस दिन से, यानी कि 15 अप्रैल से। अब बात कर देंगे जो भी एयरसेल सब्सक्राइबर्स हैं वो अब फिलहाल पोर्टिंग कोड जनरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहां पर दो मेथड है पोर्टिंग कोड जनरेट करने के। पहला तो आप जो है SMS के द्वारा जो यहाँ पर यूजर मेथड रहता है वो कर सकते हैं, दूसरा मेथड है आप कॉलिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको एयरसेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो अगर आपको एयरसेल का नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो आपको जाना है अपने नेटवर्क सेटिंग्स में और वहां से मैनुअली सेलेक्ट करना है एयरटेल 2G। जी हाँ दोस्तों, आपको एयरटेल 2G नेटवर्क वहां से सेलेक्ट करना है मैनुअली। तो अगर आप वहां से एयरटेल 2G नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है एयरटेल का नेटवर्क वहां पर आ जाएगा और ये सभी सर्किल्स में फिलहाल अवेलेबल है एयरटेल का नेटवर्क। तो सभी एयरसेल यूजर्स जिनको भी फिलहाल नेटवर्क नहीं मिल रहा है वो एयरसेल 2G नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एयरसेल यूजर्स को पोर्टिंग कोड जनरेट करने के लिए जो पहला मेथड है वो अपनाना है, यानी कि SMS के द्वारा। तो आपको अपने मोबाइल पर जाना है SMS में और वहां पर एक मैसेज टाइप करना है कैपिटल लेटर्स में, यानी कि बड़े लेटर्स में आपको टाइप करना है PORT, उसके बाद आपको स्पेस देना है और फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो वहां पर टाइप करना है, जो आपका एयरसेल वाला मोबाइल नंबर है वो आपको टाइप करना है और इस SMS को आपको सेंड कर देना है 1900 पर। तो उसके बाद में आपके पास एयरसेल का पोर्टिंग कोड आ जाएगा, फिर आप पोर्ट करा पाएंगे किसी भी नेटवर्क में, एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, किसी भी नेटवर्क में आप वहां पर जा सकते हैं। अगर आपका ये मेथड काम नहीं करता है, लेकिन ट्राई ने कह दिया कि अब ये मेथड काम करने वाला है, पहले एयरसेल जो है पोर्टिंग कोड नहीं भेज रहा था लेकिन अब ट्राई की तरफ से कहा गया है कि सभी यूजर्स को जो है पोर्टिंग कोड भेजे जाएं, तो अब एयरसेल ने पोर्टिंग कोड भेजना स्टार्ट कर दिया है और ये जो पोर्टिंग कोड रहने वाले हैं फिलहाल ये आपके 14 डेज के लिए वैलिड नहीं रहेंगे, ये आपके जो है 45 दिनों के लिए वैलिड रहने वाले हैं, यानी कि ये आपके 15 अप्रैल 2018 तक वैलिड रहने वाले हैं। तो दूसरा जो मेथड है यहाँ पर वो है यहाँ पर कॉलिंग के द्वारा। तो आपको एक नंबर डायल करना है अपने किसी भी नंबर से, यानी कि आपके एयरसेल वाले नंबर पर अगर जो है नेटवर्क नहीं आ रहा है तो भी आप जो है पोर्टिंग कोड जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी एक अपना जो मोबाइल है वो लेना है और उससे एक नंबर है वो यहाँ पर डायल करना है, नंबर है आपका 9738012345। तो आपको ये नंबर डायल करना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नंबर आपको डायल करना है और उसके बाद में आपको जो प्रोसेस करना है मैं आपको वो दिखा ही देता हूँ। ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ ದಬಾಯಿ. ಅಪನೆ ನೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಿ ಜಾನಕಾರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ದಬಾಯಿ. ಯದಿ ಆಪ್ ಮೌಜೂದಾ ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಹೈ ತೋ ದೋ ದಬಾಯಿ, ಯದಿ ಆಪ್ ನಾನ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಹೈ ತೋ 3 ದಬಾಯಿ. ಅಪನೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕಾ UPC ಜನರೇಟ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ದಬಾಯಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಅಪನೆ ಕಾಲ್ कृपया अपने 10 अंकों का एयरसेल मोबाइल नंबर दर्ज करें। कृपया अपने 10 अंकों का एयरसेल मोबाइल नंबर दर्ज करें।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एयरसेल वाला मोबाइल नंबर टाइप कर देना और कंफर्म करने के लिए आपको कहा जाएगा कि आपके सिम के जो लास्ट 5 डिजिट हैं वो यहाँ पर एंटर करने हैं। तो आप अपनी सिम पर देख सकते हैं आपके लास्ट 5 डिजिट आपको मिल जाएंगे, तो वो यहाँ पर टाइप करके आप यहाँ पर अपना UPC कोड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके यहाँ पर आप जो है एयरसेल में जो है पोर्टिंग कोड जनरेट कर सकते हैं और पोर्ट करा सकते हैं 15 अप्रैल 2018 से पहले किसी भी नेटवर्क में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एयरसेल यूजर्स हैं उनको पता लग जाए कि कैसे वो फिलहाल जो है एयरसेल में पोर्टिंग कोड जनरेट कर सकते हैं और उनकी परेशानी बिल्कुल यहाँ पर दूर हो सकती है, साथ में वो फिलहाल एयरटेल का नेटवर्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। We'll be right back.